कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया है जो चिट्ठी उन्होंने 28 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी थी। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में उन्होंने राजस्थान की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के शासनकाल में हुए करप्शन और कई मुद्दे उठाए। 2 नवंबर 2022 को पायलट ने मुख्यमंत्री को पूर्व में भेजी गई चिट्ठी पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। 2 बार चिट्ठी भेजने के बावजूद भी गहलोत सरकार द्वारा पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही पायलट की चिट्ठी का जवाब दिया गया। अब इससे आहत होकर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी को अब सार्वजनिक कर दिया है और अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान कर दिया है। इन 5 पेज की चिट्ठी में सचिन पायलट ने कई मुद्दों को उठाया। सचिन पायलट ने लिखा कि आदरणीय अशोक गहलोत जी, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान प्रदेश की बीजेपी सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के विगत शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के प्रकरणों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमती राजे जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, धांधली और राजकीय धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस द्वारा तत्कालीन बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई गई तथा स्वयं आपके और मेरे द्वारा लगातार जनता को विश्वास दिलाया गया था कि कांग्रेस का राज आने पर इन प्रकरणों की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच करवाई जाएगी, जिसके फलस्वरूप जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस की दिसंबर 2018 में सत्ता में वापसी हुई। महोदय, मुझे ये बताते हुए खेद है कि हमारी सरकार का गठन हुए 3 साल से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी हम इन प्रकरणों में ऐसी कोई ठोस, प्रभावी और पारदर्शी कार्यवाही नहीं कर पाए हैं, जैसे कि आमजन को हमसे आशा थी। सचिन पायलट ने 5 पेज की जिस चिट्ठी को सार्वजनिक किया है उसमें उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया। उन्होंने कहा, महोदय, ये पत्र लिखने का मेरा उद्देश्य दोषतापूर्ण कार्यवाही करने का नहीं है, परंतु जब गंभीर भ्रष्टाचार के मामले जनता के समक्ष उजागर हुए हैं और आपने तथा मैंने विपक्ष में रहते हुए आमजन के साथ मिलकर उनका विरोध भी किया है, तो हमारी सरकार बनने पर इन प्रकरणों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? हमारी ऐसी क्या विवशता है? ऐसे क्या कारण है कि हम आज तक इन प्रकरणों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए? मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि भ्रष्टाचार के इन प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई जनता के समक्ष आ सके। पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी सरकार पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए ही, साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार से भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवाल भी पूछ लिया। सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे के प्रथम कार्यकाल में तत्कालीन सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। उन्होंने वसुंधरा पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को देश से फरार करने में भी राजे पर सीधे सीधे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप उजागर हुए थे। पायलट ने आगे कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार में बजरी माफिया, शराब माफिया के कई मामले उजागर हुए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये चिट्ठी लिखने के साथ ही इसकी एक प्रतिलिपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी भेजी। इसके बावजूद भी न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट की स्थिति को गंभीरता से लिया और न ही आलाकमान ने।